चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं अपनी भैंसियों को दिखा देती हूँ पानी, और उसके बाद मैं अपना बाकी काम करती हूँ। पानी कम पड़ गया लग रहा है, और उसको पानी चाहिए। एक बाल्टी से भी ज्यादा पानी पी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी पेट पूजा करने में लग गया है, और गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हद से ज्यादा गर्मी हो रखी है। आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अभी मुझे भाभी ने देखा नहीं है, वरना वो भी बुलाना शुरू कर देती, तो अभी मैं उनके साइड गई नहीं हूँ। अभी इस साइड थोड़े से अपनी खेती देख रही थी, यहाँ पे क्या क्या बो रखा है। भिंडी तो हमारी यहीं से चली जाती है सब्जी के लिए। हेलो बोलती हूँ, हेलो गाइस, ये थोड़ा सा शर्माता है इसलिए ये हेलो नहीं बोलता। देखो दोस्तों, लास्ट टाइम मैं आई थी तभी भी ये इतना सा था, अभी आई हूँ तो अभी भी इतना ही है, हमेशा लगता है इतना ही रहता है। करेला थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें। देखिए दोस्तों, मैं आपको तरोई दिखाती हूँ, पता नहीं क्या बोलते हैं, आप अपनी भाषा में बताइएगा। मेबी तरोई या लौकी। देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है, और उस साइड भी एक लगी हुई है बहुत बड़ी है। ये शायद बीच के छोड़ दिए इसलिए इतनी बड़ी है। बाकी है ये देखो, छोटी छोटी लगी हुई है, ये छोटी सी लगी हुई है। ये देखो दोस्तों, इस साइड हम लोग अभी तरोई तोड़ रही हैं। भाभी एक तरोई तो बहुत अच्छी मिली है, बाकी और ढूंढ रहे हैं। और देखो फ्रेंड्स, मैं कहाँ ये और मैं कहाँ बैठे, लटका हुआ ये। देखिए फ्रेंड्स, मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, इस पट्टी में, पर्दी में बैठी हूँ। बहुत सारी मिल गई है दोस्तों। शाम हो गया, चलो दोस्तों बंद करते हैं। देखो फ्रेंड दोस्तों, आपको बाबा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे बताइएगा, उस साइड से बाबा जा रहे हैं। देखो दोस्तों, ये जो सफेद कलर के फूल लगे हैं, ये चिचिंडा का पेड़ है, जो बहुत पतले लंबे लंबे से होते हैं। और ये जो इस साइड वाले जहाँ भाभी तोड़ रही है, इसमें पीले कलर के फूल वाला जो है, इस ये होती है तोरोई की सब्जी, इसमें लगी होगी। अभी भाभी तोड़ के लाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी इनकी कितनी बड़ी बड़ी तोरोई होती है, और अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी है काफी, मोटी और अंदर से खूब फ्रेश और ताजी रहती है, अच्छी लगती। तोड़ लाए फिर कहा नहीं लगा, हम खुद इतनी सब्जी लगी है ना, पर आजकल पता नहीं कहा हो गया फर्क नहीं है ज्यादा, बहुत कम फर्क है। जमी तो है दोस्तों पर, लेकिन पता नहीं क्यों फल नहीं रही है, ज्यादा फूल उल नहीं आ रहे हैं। वो तो पता है, मैं अभी यहाँ बैठी हूँ ना, आज अचानक तो अचानक से दोस्तों मैंने देख लिया कि बताओ ये तरोई बोई रखी नहीं, और ये दीपक क्या है, इनके अलग ही लगा तो है दोस्तों पर, लेकिन ना फिर मैंने आज देखा इस साइड की इनकी तरोई लगी है, तो फिर भाभी आके दादा नमस्ते बोल लो। देखो दोस्तों, दादाजी से मिल लो, नमस्ते बोल लो। आई बोल जा, कब से नहीं बोले, बोल फ्रेंड्स ना, बेचारे इंतजार करके थक जाओगे, कहीं जा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो, बहुत दिन मिले हो, अच्छा लग रहा है, वीडियो देखते हो, मुझे जरूर देखना। ये देखो दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी इन लोगों की तरोई हुई है, बाबा लोगों की तरोई इतनी बड़ी है होती है यहाँ पर। और ये दिख जरूर इतनी बड़ी रही है, पर लेकिन ये कच्ची अंदर से मुलायम हुई है, ये अभी खराब नहीं हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, अंदर से बहुत सॉफ्ट और मुलायम अच्छी सब्जी गायब होती है। इस वाली तरोई की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तबीयत बीच में थोड़ी ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, जुकाम बुखार आ गया था, पर अभी ठीक हो गया। ठीक है,
सीजनल वायरस जो था सबको आया था, हम लोग भी बीच में हल्का जुकाम बुखार आई थी, बाबा लोग को भी आई थी, अब ठीक हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीछे साइड मेरे देख सकते हैं ना, ये वाली बेल में काफी सारे चीड़ा बड़े बड़े लगे थे, आज ही मम्मी तोड़ के लेके चली गई है। और नीचे मूंगफली भी लगी है, इसमें तो मूंगफली अभी नहीं आएगी, नीचे आ जाएगी थोड़े टाइम बाद। उस साइड भी देखिए, दिखाती हूँ भिंडी वगैरह और मक्के भी बोई है। ये देखिए, ये रही हमारी मक्की, और भिंडी तो होती है आजकल, काफी उग जाती है। देखिए छोटी छोटी भिंडियाँ लगी हुई है, तोड़ लेते हैं ताजी भिंडी। फ्रेंड्स, आप लोग ना मुझे एक चीज बताइएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारे यहाँ पे अनार का पेड़ लगा है, बहुत बड़े बड़े अनार होते हैं और पूरे रेड कलर के हो जाते हैं, पर फ्रेंड्स पता नहीं क्यों वो अंदर से वाइट होते हैं, और मीठे भी होते हैं, वाइटी कलर के होते हैं, मीठे भी होते हैं, पर वो अंदर से रेड नहीं होते हैं। पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये वाइट वाला अनार है, देखिए लगे हैं ऊपर, देख सकते हो रेड रेड से पेड़ में। चलिए चलते हैं, मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ, वहाँ पे बुला रहे हैं मुझे। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, मैं आई हूँ इस साइड बाबा लोगों के घर की ओर, पूरा कीचड़ कीचड़ रखा है, बहुत गंदा रास्ता है यहाँ पे, तो फिलहाल ट्रैक्टर वैक्टर आता जाता है ना, इस वजह से भाभी को दिखाती हूँ, वो ऊपर टॉप में चढ़ी हुई है, देखिए कहाँ चढ़ी है। बाकियों का पता ही नहीं है सब कहाँ गए, इनके भी पूरे खेतों में जो फिलहाल धान लग चुका है। अब बहुत गर्मी लग रही है इनकी साइड तो, हवा नहीं चल रही है, बहुत गंदा मौसम है फ्रेंड्स, इतना कीचड़ बारिश भी आजकल रेगुलर डेली हो रही है ना, इस वजह से मौसम और भी ज्यादा खराब हो रखा है। चलो चलते हैं ऊपर, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, अंधेरा हो गया, इनसे बात करने लग गई थी थोड़ी देर आके, अभी जाया जाए घर, अंधेरा हो रहा है वरना फिर लेट हो जाएंगे। इसमें लगा, देखिए फ्रेंड्स ऐसी, अभी हम लोगों ने इसमें भूंजा है, इतनी आग वाली में हमने भूंजा है भुट्टा, वो फिर इसमें लगा ना, और हमने खाई अभी अभी मैगी। अब सो आप लोग को मेरी शक्ल दिख रही हो थोड़ी बहुत, अभी हमने भुट्टा और मैगी खाई है और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं। चलिए बाय, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, बाय बाय फ्रेंड्स।